ये बसे बुसे फ्री कर रखे, फ्री फ्रू दे रहा है, दुनिया फ्री के पीछे दौड़ती है। केजरीवाल ही जीते। हाँ जी, मिस्टर केजरीवाल को। केजरीवाल को यस। जरा पता करो सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो सरहदों पे तनाव है और पूछो क्या चुनाव है क्या। राहत इंदौरी का ये शेर बड़ा सटीक बैठ रहा है आजकल दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव के लिए। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। बताइए, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं तो दिल्ली का किंग कौन होगा आपके हिसाब से? केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल ही होंगे। तो क्या पांच काम आपको केजरीवाल के अच्छे लग रहे हैं? काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने, बिजली पानी, हाँ सब कुछ अच्छा है, बिजली पानी स्वास्थ्य, अभी तो बसें भी फ्री हैं। बसें भी फ्री हैं, ये काम अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा है, थोड़ा वो तो सही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर वो आएगी तो पाँच गुना और लाभ देगी, तो आप इस पर मौका नहीं देंगे बीजेपी को? अभी जो लाभ दे रहा है उसको वोट देंगे या फिर जो उनको देंगे? तो इस बार केजरीवाल दिल्ली में, दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है। केजरीवाल ही जीतेगा। हाँ जी। तो एज अ यूथ, एज अ गर्ल, आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या बदला? आप जब से बड़े हुए हो तब से दिल्ली में क्या बदला इन पाँच सालों में? बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, लेकिन अभी आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे गर्ल्स पे रेपिंग वगैरह भी हो रहे हैं, तो शायद क्या सिक्योरिटी नहीं है अभी। तो आप सेफ महसूस करते हो अब रास्ते में? अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 8-10 बजे तक बाहर रह लोगे? कोई नहीं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। नहीं मतलब सेफ फील करते हो जब बाहर आते हो? नहीं करते। केजरीवाल ने बोला था कि सीसीटीवी कैमरास लग जाएंगी, तो वो आपको दिखती हैं सड़कों पे लगी कुछ कुछ? केजरीवाल। तो आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए आप दिल्ली में आज सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ। और बस का सेवा महिलाएं किस चीज पे वोट देंगी? जहाँ तक के अंदाजा है तो मोदी पे मोदी को देंगी वोट। लेकिन दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली में मोदी थोड़ी सीएम बन जाएगी। ये बात तो सही कह रहे हो पर इसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकती। बस ये है कि जहाँ तक के मुझे कहा जाए तो जिस तरीके का चल रहा है इस हिसाब से तो मोदी को दिया जाएगा, वैसे केजरीवाल को। महिलाओं का क्या मुद्दा है दिल्ली में? केजरीवाल को दिल्ली में केजरीवाल को क्यों? क्योंकि मेट्रो के लिए और बस के लिए उन्हें फायदा। मेट्रो तो नहीं, खैर नहीं करी है उन्हें, बस से किया उन्हें। अब फायदा है क्योंकि मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। फायदा उठा रहे हैं बस का, क्योंकि मुझे मालूम है बस का फायदा एकदम अच्छे से उठा रहे हैं। भीड़ वगैरह नहीं होती है? नहीं बिल्कुल होती है। और उन्होंने पूछा था मार्शल्स वगैरह होंगे बस में, तो मार्शल्स होते हैं बस में? थोड़े बहुत तो होते हैं। कोई परेशानी नहीं है अभी फिलहाल? सेफ, एकदम सेफ महसूस कर रहे हैं? कोई हर बस में कोई ना कोई पुलिस वाले होते हैं, लेडीज में भी है जेंट्स में भी है, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत होती थी पर अब नो दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेफ महसूस कर रहे हैं। मिस्टर केजरीवाल को यस। क्या किस मुद्दे पर? क्योंकि बहुत सारा काम किया कर रहे हैं वो, हमारे उत्तम नगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है उनका। अच्छा काम हो रहा है क्या काम, मतलब पाँच साल में क्या बदला क्या है दिल्ली में? बहुत कुछ बदल गया हमारे उत्तम नगर में, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। इतनी बड़ी कॉलोनी है ऐसे, और सब कुछ इतना अच्छे से काम वहाँ पर चल रहा है, सब कुछ बिजली पानी साफ पानी सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल सब बहुत अच्छा। और बस में जो महिलाओं के लिए सेवा दे रहे हैं केजरीवाल, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है। तो महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट है तो फ्री करने की क्या जरूरत होगी? इस पे आपका क्या? बहुत से महिलाएं कमाती भी नहीं है, उनका इतना इनकम सोर्स भी नहीं है, उनके हस्बैंड का है या उनके परिवार का इतना इनकम सोर्स नहीं है। भाई जो काम करेगा, फिलहाल तो नाम केजरीवाल का ही हो रहा है तो इस बार नाम नहीं काम बिकेगा। देखो क्या होता है, पब्लिक का पता नहीं होता किस मूड बैठ जाती है, हमें तो केजरीवाल का ही लग रहा है। किन मुद्दों पे इस बार केजरीवाल को जनता वोट देगी? ये बसे बुसे फ्री कर रखे, फ्री फ्रू दे रहा है, दुनिया फ्री के पीछे दौड़ती है। फ्री लोग कहते हैं कि फ्री, अभी 4-5 साल से सरकार है तो ये 5-6 महीने से ही क्यों फ्री, इससे पहले क्यों नहीं करा? यही तो हम सोच के खुद हैरान है। तो ये कहीं वोट लेने की साजिश तो नहीं? मेरे को भी ऐसा ही लगता है। आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आप ये सब सोच के जब आप पोलिंग बूथ पे जाएंगी तो ये सब सोच के जाएंगी? वो तो टाइम बताता है, उस टाइम किस पे बटन दबता है।
जैसे क्राइम है, बसों को फ्री कर दिया, बसों का हाल देखो। अच्छा, बसों का हाल भी तो देखो, सफाई भी तो जरूरी, सफाई भी जरूरी है। और जो बस में इतनी भीड़ है जो है, इनके ऊपर जैसे मार्शल रखे हैं, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए ना, जैसे पहले सिस्टम था कि बस में पीछे से चढ़ो आगे से उतरो, अब ये है कि धक्का मुक्की, इसी में एक्सीडेंट भी होते हैं, जेबें भी कटती हैं, बहुत कुछ होता है। फ्री करने से कुछ नहीं होता मैम। और क्या मुद्दा है? बस महिलाओं का क्या मुद्दा है मैम? बस महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए। अब जैसे ये कुछ हो रहा है, इनके ऊपर थोड़ा, दिल्ली में क्राइम कम हुआ है पिछले 5 सालों में महिलाओं के प्रति, आपको लगता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने जो मनचलापन करना है ना वो करते हैं, करते हैं। किसी के किसी से कोई जाने से कोई नहीं रुकता।